अपने मिठास के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब दूर दूर तक पहुंचेगी। इसे बेचने में आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर की मीठी शाही लीची के स्वाद के दीवाने सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में है। गर्मी का सीजन यानी रसीली लीची का सीजन, यही वजह है कि दूर दूर से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। इस बीच लीची किसानों को बड़ी राहत मिली है। मुंबई में लीची को सीधे पहुंचाने के लिए लीची किसानों के लिए रेलवे ने एक विशेष 24 टन की क्षमता वाली कोच पार्सल की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस पहल से लीची किसानों में काफी खुशी है। लीची का व्यापार तो खैर हम लोग के जन्म से पहले से ही हमारे पापा जी लोग करते आ रहे हैं। जब से हम लोगों ने पढ़ाई छोड़ा है तब से हम भी इसी व्यापार को कर रहे हैं। लगभग 5 एकड़ 6 एकड़ में अपना बगीचा है। अगले बार मौसम भी अनुकूल नहीं था और कोरोना का कारण बहुत ज़्यादा परेशानी था, लेकिन इस बार फसल भी दुगुना है, मतलब मौसम अनुकूल होने के कारण। तो जो भी आगे साल नुकसान हुआ है उसका भरपाई होने की संभावना है और हम लोग को इस बार आशा है कि बाहर से अच्छा ऑर्डर मिलेगा, और ऑर्डर है भी, लंदन और दुबई का ऑर्डर है। तो हम लोग एक दो दिन में शाही लीची को भेजने का प्रयास कर रहे हैं और भेजेंगे। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मुंबई भेजने के लिए पवन एक्सप्रेस में पार्सल वैन छोड़ा गया है। ये सेवा अगले 1 महीने तक लागू रहेगी, जिसका लाभ लीची किसान सीधा उठा सकते हैं। पीआर कोष द्वारा 1300 से अधिक लीची बॉक्स मुंबई भेजी गई, इसे लेकर लीची किसान काफी उत्साहित हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची मुजफ्फरपुर स्टेशन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई भेजने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। व्यापारियों एवं किसानों के मांग के अनुरूप 11,062 पवन एक्सप्रेस में एक VPU पार्सल यान, जिसकी क्षमता 24 टन है, 20 मई से 20 जून तक के लिए लगाई जा रही है। साथ ही पीछे के SLR में एक कंपार्टमेंट जो 3.9 टन का होता है, उसको भी लीची लोडिंग के लिए मुजफ्फरपुर में उपलब्ध कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से हर वर्ष ट्रेन के माध्यम से मुंबई जैसे महानगरों में शाही लीची भेजी जाती रही है। इस साल भी व्यापारियों और किसानों की सुविधा के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर विशेष प्रबंध किए गए हैं, जो वाकई लीची उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत की बात तो है ही, शाही लीची के स्वाद के दीवानों के लिए भी किसी मुराद के पूरे होने जैसा है। न्यूज़ 22 स्कोप के लिए मुजफ्फरपुर से विशाल की रिपोर्ट।